हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। और भाई आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, बिकॉज आज हम लोग कोई फार्म नहीं बनाने वाले, आज हम लोग कोई इंचेंटमेंट नहीं देखने वाले, आज हम लोग बनाने करने वाले हैं गाइस पूरा के पूरा एक चंक माइन। हाँ, हम लोग एक 16x16 का पूरा चंक माइन करने वाले हैं आज, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना यार। तो हम लोग यहाँ पर इस वाले इलाके में पूरा एक 16x16 का जो चंक है वो माइन करने वाले लास्ट बेडरॉक तक, और इस देखने वाले हैं आखिर हमें कितना डायमंड मिलेगा, कितना गोल्ड मिलेगा, कितना आयरन मिलेगा, और भाई कितनी सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है। तो भाई अभी हमने पिकेक्स विकेक्स निकाल के रखी हुई है, और भाई हम लोग को 5 पिकेक्स और 2 शवल निकाल लिए मैंने, और भाई पूरा अपना सेटअप है पूरा वो रेडी कर लिया। तो अभी हम लोग पहले सबसे पहले एक लेआउट बना लेते हैं कि भाई हमें कितना करना है। भाई यार काम स्टार्ट नहीं हुआ और ये बदसूरत पहले आ गए। चलो टेंशन मतलब मैंने तुम्हारे पहले मेरी शॉट जो है वो कम्प्लीट तैयार करके रखी हुई है। तो अभी भाई हम लोग करने वाले हैं यहाँ की पूरी लेआउट को कम्प्लीट। तो जल्दी से भाई पहले हम लोग इतनी लेआउट देखते हैं। भाई पूरा एक चंक माइन करना है, वैसे काम इतना आसान होने वाला नहीं है, अगर आसान होता तो हम लोग लेते भी नहीं, तो इसलिए हम लोग करते हैं जल्दी से यार चंक को माइन, और देखते तो हैं आखिर कि इस चंक में से हमें डायमंड वायमंड मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो आखिर कितने डायमंड मिलने वाले हैं या कितना गोल्ड मिलेगा हमें, बहुत सारी चीज़ें या कुछ और चीज़ें भी मिलेगी हमें उस पूरे चंक के अंदर। तो वीडियो को यार आखिर तक जरूर देखना, और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमें इसमें लगने वाली है। तो चलो यार जल्दी से देखते हैं इसको। ओके गाइस, तो अभी भाई हमारा जो पूरा चंक जो है हमें माइन करना है, उसकी लेआउट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और हम लोग ये वाला जो इलाका देख रहे हैं अंदर वाला, ये पूरा के पूरा माइन करने वाले हैं या लास्ट बेडरॉक तक माइन करने वाले हैं। तो चलो भाई जल्दी से करते हैं माइनिंग को अपनी स्टार्ट, और देखते हैं भाई यार ये लगना मानते हैं। ओके तो भाई अभी जो फर्स्ट लेयर है वो ऊपर से मैंने हटा दिए, और भाई ये हमें पूरा नीचे तक माइन करते हुए जाना है। तो चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट हमारे इसको। ओके गाइस, तो यार अभी काफ़ी ज़्यादा हमने माइन कर लिया है, और आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितना नीचे तक पहुंच चुके हैं। हमारा जो पहला बीकन है यार वो निकल चुका है, और हम लोग पहले बीकन तक हमने माइन कर लिया है। तो अभी भाई हम लोग और नीचे माइन करने वाले हैं, तो देख सकते हो अभी हम लोग और ओके गाइस यहाँ से आ चुके हैं। और भाई यहाँ पर देखो यार, देख सकते हो जब नसीब खराब होता है ना गाइस, मतलब जब नसीब साथ नहीं देता तब ऐसा होता है। देख सकते हो भाई पूरी की पूरी केव जो है वो बिल्कुल साइड से निकल गई यार, अगर हमारे बीच में रहती है शायद मुझे इतना कम माइन करना पड़ता। लिटरली गाइस मेरे अंगूठे जो थे, मेरा हाथ जो है वो दर्द करने लग गए हैं, काफ़ी देर से मैं माइनिंग कर रहा हूँ, और भाई देख सकते हो भाई यार दुख दर्द पीड़ा इसको कहते हैं यार, साइड से पूरी केव निकल गई और हमें भाई इतना माइन करना ही पड़ेगा। बताओ चलो तो देखते हैं इसको करते हैं फिर से माइन। और हाँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज भाई ये इतना आसान काम नहीं है यार, तो इतनी मेहनत में कर रहा हूँ तो थोड़ा सा काम तो आप भी कर ही सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं इन बच्चों को निपटा देता हूँ, तो जल्दी से आप कर दो लाइक सब्सक्राइब। मैं करता हूँ इसको पूरे माइन, और फिर हम लोग देखते हैं भाई आखिर कितना टाइम हमें लगने वाला है, क्योंकि हमें काफ़ी देर तो हो चुकी है माइन करते करते। और अभी गाइस हमें और काफ़ी माइन करना है, क्योंकि अभी हम लोग -13 ब्लॉक पे ही हैं, और गाइस हमें हमारे जो पहले डायमंड है वो दिख चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, बट ये हमारे चंक से बाहर है, मतलब हमारे अभी किसी काम के नहीं है, तो इसको भी कहते हैं भाई नसीब, साइड से डायमंड निकल गए हमारे। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं और अभी तो बाकी है आगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग और नीचे आ चुके हैं, और भाई ऊपर देख सकते हो आप लोग कितना ऊपर से हम लोग और कितना नीचे हम लोग आ चुके हैं गाइस, देख सकते हो।
बिल्कुल। और भाई चेस्ट कितनी सारी लगा चुका हूँ मैं, देख रहे हो आप लोग भाई, जितनी भी चेस्ट लगी हुई दिख रहे हो ना आप लोग, सारी चेस्ट फुल हो रखी है, सबके अंदर जो हमारे ब्लॉक्स है वो स्टोर कर रखे हैं मैंने। तो अभी तो पता नहीं और कितना नीचे मुझे जाना बाकी है, वैसे -58 तक का है क्योंकि मैंने नीचे बीकन सेट कर रखा है, तो वहाँ तक हमें पहुँचना है अभी। और अभी भाई इतनी सारी चेस्ट लग चुकी हैं, तो चलो फिर से चलते हैं हम लोग नीचे। और गाइस देख लो, लिटरली यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें नीचे की क्या है। बाकी गाइस देख लो कुछ अभी, और माइन करना भाई इतना भी आसान नहीं होता है वैसे। चलो तो बाकी अभी हमने हाथ में लिया है काम, तो हम लोग करेंगे इसको कंप्लीट। आप वीडियो करोगे लाइक और हम कर चैनल करोगे सब्सक्राइब। बट अभी हम लोग आ चुके हैं -31 पे, ज़्यादा दूर नहीं है। ओके तो गाइस अभी हमारी लास्ट वाली चेस्ट है, और लास्ट वाली तो नहीं है, इसके बाद हमें एक और शायद लगानी पड़ेगी। बट अभी इसके अंदर हम जो सारा सामान हमारा जो है वो स्टोर कर देते हैं। और गाइस ये चेस्ट भी हमारी जो है वो हो चुकी है फिल। ओके इसको करते हैं हम लोग गाइस क्लोज। और गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस बेड रॉक पे, और भाई ऊपर इतनी सारी चेस्टें लगी हुई आप लोग देख सकते हो, लिटरली ऊपर का तो व्यू ही नहीं आ रहा है। और भाई ये देख सकते हैं हमारे लास्ट वाले बीकन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और गाइस अभी कुछ ही ब्लॉक बचे हुए हैं जो हमें रिमूव करने हैं यहाँ से, तो चलो वो भी करते हैं जल्दी से हम लोग रिमूव यहाँ से। ओके गाइस तो अभी भाई हमारा जो बेडरूम है वो आ चुका है, और भाई हमने सारे ब्लॉक यहाँ से रिमूव कर लिए हैं। बट अभी ये भाई दिक्कत है इसके अंदर चलने में यार काफ़ी ज़्यादा, तो चलो ऊपर निकलते हैं। और भाई हमारे बीकन ने हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया भाई, इसकी वजह से हम लोग इतनी जल्दी माइन कर पाए, वरना हमें काफ़ी और टाइम लग जाता। तो हाँ भाई इसको भी अब हम यहाँ से रिमूव करते हैं। और भाई ऊपर देख लो एक बार भाई, ऊपर लिटरली कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो चलो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ बीकन को। भाई थैंक यू बीकन, तेने हमें काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, तो इस बीकन को करते हैं अभी यहाँ से रिमूव। के गाइस तो ये हो चुका है, और भाई हमारी एक और हम लोग चेस्ट लगा देते हैं इधर। और भाई हमारा सारा सामान जो बाकी बचा हुआ है जो हमारे पास में माइनिंग के बाद हमें मिला है, सबको स्टोर कर देते हैं इसके अंदर। तो भाई सारा चीज़ इसके अंदर मैं रख देता हूँ, हमारी शॉर्ट वर्ड सारी। तो भाई हमारी ओके यार ये ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी इसके अंदर रख देता हूँ, शॉर्ट भी रख देता हूँ इसके अंदर ही भाई। और भाई अभी देख सकते हो आप लोग पूरा व्यू भाई यहाँ से, भाई ये वाली जो चेस्ट है यहाँ से वहाँ तक पूरा ऊपर तक हमने पूरा ऊपर से स्टार्ट किया था गाइस माइन करना। और भाई नीचे देख सकते हो लिटरली आपको नीचे का व्यू आना ही बंद हो गया गाइस, हमने काफ़ी ज़्यादा माइन कर दिया यार। ओके तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग इसके पार्ट 2 में देखने वाले हैं कि आखिर हमें कितने सारे डायमंड मिले हैं, हमें कितनी सारी चीज़ें मिली हैं, हमें इसको माइन करने में कितनी सारी पिकैक्स लगी और कितनी सारी शवल लगी, तो हम लोग सब लास्ट में देखने वाले हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।